अच्छा, हमारा साथ देंगे आप समा डिजिटल से फारूक बलोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा देखिए, दो 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 लोग ऐसे हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं, एक चीज़ एक शख्स के जो बहुत एक्टिव है, मुझे अभी अभी पता चला है। महंगाई का तो मुझे पहले से पता था ये एक्टिव है। आप कितने एक्टिव हैं, मैंने आप देखा, क्या जंप मारी आपने वहाँ से यहाँ तक आने के यार, महंगाई भी जंप मार रही है, बहुत जंप मार रही है। देखें, कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना अच्छा शो, इतना अच्छा शो है तो थोड़ा वेट तो करना पड़ता है ना। सॉरी ना, लेकिन ये बताएं, महंगाई सॉरी कहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, रोज बरोज बढ़ रही है। अब मुझे बताइए कि हमने सितंबर भी गुजार दिया, अगस्त भी इस तरह का गुजर गया, अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक की सोच नहीं है, समझ में नहीं आता होगा क्या। थोड़ा सा आप तजिया करेंगे अगर हम चाहें कि जी हम सितंबर और अगस्त की बात कर लें। पहले तो एक बिल्कुल आसान अल्फाज बता दें कि महंगाई जो है वो हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। जो कौमी सतह पे जो महंगाई का जो उन्होंने शरह बताई है 9%, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप 1000 रुपये की पिछले साल सितंबर में ख़रीद रहे थे जो सामान, उतना ही सामान आज आप खरीदेंगे तो 1090 रुपये, तकरीबन 1100 रुपये का आपको, ओके, ये 90-100 रुपये का इजाफा 1000 रुपये आराम से हो गया। अब इसमें अगर आप देखें, ये तो नेशनल लेवल पे हुई है, फिर रूरल लेवल पे 11% हुई है, अर्बन यानी शहरी इलाकों में जो है वो 7% हुई है, कुछ एरियाज़ में 40% से लेकर 60% तक भी महंगाई हुई है। 9% तो ओवरऑल बताई गई है, जैसे टमाटर है, प्याज है, बिल्कुल आलू, कल ही गया था टमाटर लेने के लिए, वो 3 दिन पहले जो 80 रुपये का टमाटर मुझे मिला था ना, कल मुझे 200 रुपये का मिल रहा था। तो जो एक आम आदमी है जिसकी तनख्वाह ही नहीं बढ़ी और जो दिहाड़ी लगाता है, उसको तो ये चीज़ें बहुत चुभती हैं, आलू प्याज टमाटर। मैं दिहाड़ी नहीं लगाता, मेरे फिर भी चुभती है। मैं खुद परसों लेने गया, यकीन करें 2 किलो लेने गया था, उसने जब टमाटर के पैसे बताए, मैं 1 किलो। अच्छा, मैंने एक्जैक्टली यही किया, मैं लेकर भी, मैंने बेगम से कहा जरा कम कम डालना, ये मत सोचना कि टमाटर ढेर सारे अगर मैं ले तो तुमने कढ़ाई में भी सारे डालने हैं, बिरयानी में भी डालने हैं, ऐसा नहीं। चीज़ें बता दो जिससे हुई। एक तो ये पिछले, आपको पता होगा, ये जो हमारा साल जो चल रहा है रवा साल, इसमें एक तो टिड्डी दल ने जो हमला किया, फसलें खराब हुई, गंदम वीट की खबरें, फसलें जो है वो ख़राब हुई, उसके बाद बारिशों का सिलसिला आ गया, और ये हर साल ही होता है तकरीबन, तो इसकी वजह से भी कुछ जो फसलें वो बर्बाद हुई हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जब वो नॉर्मल होगी, रिस्टोर होगी, तो कुछ तो टेम्प्रेरी है, जो 1-2 महीने में सही हो जाएगा, कुछ बेहतर होगा। लेकिन फैक्ट है, सॉरी, एक फैक्ट है कि हम ये कह देते हैं और ये हो भी रहा है कि महंगाई ने सब को मुतासर किया है, लेकिन हम थोड़ा ना तबके के हिसाब से, हम ज़रा लोगों के हिसाब से अगर बात करें, मुलाजमत पेशा कितना ज़्यादा परेशान हुआ है सबसे, क्योंकि आपको आपको पता होगा, ये सर्वे कहता है कि हर दूसरा, तीसरा और चौथा मुलाजमत पेशा फ़र्द इस बात से परेशान है कि जो जॉब मेरे पास आ जाए वो कल नहीं होगी, उसके ये कंसर्न्स हैं, हालात इस तरह के बन रहे हैं, और सैलरी को तो बढ़े ज़माना हुआ, आपको मालूम है। आई थिंक आपने बहुत सही खुलासा किया है, ये नॉर्मली 1-2%, 3% महंगाई बर्दाश्त हो जाती है। एक तो अगर आप देखें 2012 के बाद से अब तक, ये जो गुज़िश्ता रवा, जो गुज़िश्ता माली साल था जून में जो ख़त्म हुआ है, वो सबसे जो है बुरा साल था महंगाई के लिहाज से पिछले 8 सालों में, यानी 2012 में 11% हुई थी, उसके बाद 2020 में हुई। सही। और ये ऐसे टाइम पर हुई है जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, लोगों की नौकरियाँ चली गई, ठीक है, तनख्वाहें बढ़ी नहीं। yes. फिर अब मैं कल हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे लोग स्कूल टीचर्स को, अब आप जाके स्कूल टीचर्स से बात करें, लोगों की तनख्वाहें कटी हैं, जो बड़ी बड़ी चेन है स्कूल्स की, उधर तनख्वाहें कटी हैं, बहुत ले ऑफ्स हुए हैं, तनख्वाहें कटी हैं, एक तरफ तो इनकम आपकी श्रिंक हो गई बजाय बढ़ने के, और दूसरी तरफ आपकी जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये डबल स्वॉर्ड है। एक्जैक्टली, आप पिस रहे हैं। फारूक, मुझे प्लीज़ एक बात ये बताइए, ज़्यादा फील हो रही है इस बार, ज़्यादा फील हो रही है, ये बताएं मुझे कि एक तरफ हम देखते हैं जैसे आपने कहा बारिशों से, टिड्डी दल से, जो सप्लाई चेन मुतासर हुई है, जो फसलें तबाह हुई हैं, एक हम रूटीन की महंगाई देखते भी आते हैं हर साल की तरह, लेकिन एक मामला ये है कि हुकूमत, इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, ये भी एक्टिव नहीं होती। फॉर इंस्टेंस, ये जब हम महंगाई का कंपैरिजन करते हैं, हम फिगर्स सामने लेकर आते हैं, तो वो जो हुकूमती रेट मुकरर किया जाता है, हम उससे कंपैरिजन करके निकालते हैं, बट इन एक्चुअल मुझे भी हुकूमती रेट पर कोई चीज़ नहीं मिलती और किसी और को भी नहीं मिलती। और एक मार्केट में अगर वो चीज़ 100 रुपये की है, वो किसी पॉश इलाके में चीज़ शायद 200 रुपये की होगी, तो ये भी एक मामला है जिसको कंट्रोल, क्योंकि हुकूमत नहीं करती, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नहीं करती, इसलिए हमें महंगाई ज़्यादा फील करनी पड़ती है। देखिए, इसमें शुएब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो इस पर भी ओपिनियन डिवाइडेड है। अच्छा, कुछ लोग तो समझते हैं ये सिस्टम ही जो है ना, ये सही नहीं है, ये चल नहीं सकता, क्योंकि डिमांड सप्लाई पर चलता है। okay. आप कुछ सोचें, मैं 2 किलो टमाटर लेने गया, 1 किलो लेकर आ गया, इस तरह और लोग भी करेंगे, तो जब ऑटोमेटिकली डिमांड नीचे आ जाएगी तो प्राइस खुद ब खुद को मैच करेगी, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहता है। तो ये डिमांड सप्लाई पे चीज़ें चलती हैं, हुकूमत की मशीनरी चाहे तो कर सकती है, चाहे तो कर सकती है, सालों से हम देख रहे हैं वो कर नहीं पाते कंट्रोल, क्योंकि जब एक चीज़ पीछे से सप्लाई शॉर्ट हुई हुई है, तो
ऑब्वियसली अगर डिमांड कम नहीं हुई, सप्लाई शॉर्ट होगी, उसमें महंगा होना है। यानी बायकॉट मुहिम जितने चलते हैं ना, बड़े फायदे आते हैं उसके। एक जो ट्रेडर है सब्जी वाला, उसके लिए इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं है, वो महंगा खरीद के सस्ता कैसे बेचेगा, वो नहीं कर सकता। ये रीजन है। और अगर आप उसकी बात करें कोर इन्फ्लेशन, ये जो जिसमें हम कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन, खाने और पिछले ये जो अभी महीना गुजरा है इसमें खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई हैं, तो इसको और ये जो एनर्जी यूटिलिटी वगैरह के प्राइस इनको निकाल दे तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो 5% हुई है। तो वैसे शायद महंगाई इतनी नहीं हुई है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत एरियाज हैं, स्पेशली ये बारिशों ने जो फसलें तबाह कर दी, और फिर आपने हुकूमत की बात की कि ये कोऑर्डिनेशन नहीं करते। हर साल ऐसा होता है कि भाई अगर सिंध में बारिशें ज़्यादा हो गई हैं तो पंजाब से कोऑर्डिनेट कर लें कि आप ज़्यादा लगा लें टमाटर, ताकि शॉर्टेज जो है करने ये नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पॉलिसी मेकिंग से भी जो है बड़ा फर्क पड़ता है। निकाल करके फला सूबा में भेज दें और फला सूबा कह रहा है नहीं, हम फिर जनवरी में कैसे दाखिल होंगे, हम आगे कैसे करेंगे। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन का इशू था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए हमारी सोसाइटी में ये जो हमारे जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, इन सब में देखिए जो नोट मेरे पॉकेट में है वो किसी के पॉकेट से आया है और ये मेरे पॉकेट से किसी के पॉकेट में जाएगा, साइकिल ऐसे ही चलता है। अब हमारे यहाँ एक आम आदमी की बचत नहीं है, और अगर वो ख़र्चा करने से बिल्कुल चूक जाता है, किसी कोई ना कोई हालात ऐसे बनते हैं कि जो उसका एक खर्चा था 22,000 खर्चा था, 10,000 खर्चा था, वो नहीं कर पा रहा, वो खर्चा कट होकर कम होकर 5,000 7,000 6,000 पर आ जाता है, ये बताइए इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर कैसा है। जब मैं खर्च करने के लायक नहीं हूँ, इसका मतलब ये कि जो मेरे खर्चे से कमा रहा था वो भी सफरर है। देखिए इसमें आई थिंक जो दो बड़ी बातें जो मुझे समझ में आती हैं, एक तो ये कि जाहिर है फिर बच्चों में बकायदा सर्वेज आ चुके हैं, स्टंटिंग होती, दूध महंगा हो गया है, फिर मेल न्यूट्रिशन है, बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे और आपकी जो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है, जाहिर है आप खाने पीने में फिर जब आप ले ही नहीं सकते तो आप अल्टरनेट पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप वो चीज़ें खाएंगे जिससे आपका गुजारा हो जाए, जो मिल रही है मार्केट में। वैसे तो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी कुछ महंगा हुआ, सब कुछ हर कुछ सब चीज़ें महंगी हुई, लेकिन हाँ जैसे मैंने दूध की मिसाल दी, खुला दूध भी 120 पे चला गया है, 100 के अंडर था पिछले कुछ महीने पहले, 100 रुपये के अंदर था, 120 पे चला गया। तो कहने का मकसद ये कि अब आप जब उसको इनटेक को रिड्यूस करेंगे, कि अगर फर्ज करें 1 किलो दूध कंजम्पशन थी, आपने उसको आधा किलो कर दिया, आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ जाहिर है फिर आप दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, मिसाल अगर नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई भी हो रही है, तो फिर कुछ लोग जो है वो जुर्मों की तरफ चलाते हैं, एक क्राइम रेट आपका बढ़ जाता है, ये भी एक नुकसान है। वाबस्ता है, अगर उस पर मार पड़ेगी तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर आएगा, पूरी सोसाइटी पे आएगा, बिल्कुल आएगा। आपकी जो बच्चे हैं, अगली जनरेशन है, वो हेल्दी नहीं होगी, ठीक है, बीमार पड़ेंगे, अच्छी अगर न्यूट्रिशन नहीं होगी। और आजकल जो हालात है कोरोना में, तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है कि आपका खाना पीना अच्छी डाइट होनी चाहिए। इसी बात ये है कि टोटके पर नहीं चल सकती कोई भी, सीरियस पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, पॉलिसीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई किए जा सकते, बिल्कुल सीधी सी बात है, महंगाई है तो उसको शेयर करने की कोशिश करें, खत्म करने की कोशिश करें। यस फारूक भाई, थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे आप हमें।